जीटी ने ओजी को क्यों टारगेट किया? अरे गाइस पता थोड़ी रहता है कि उनको थोड़ी पता रहेगा, नाम थोड़ी दिख गया था किल फीड में कि ओजी है, उन्होंने नॉक दिया, उनको दिखा पिंड है ये इधर चौक एक जगह पे। बट मेरे को ये नहीं भाई, ओजी को उधर टू को स्प्लिट नहीं करना चाहिए था, दो डिप में खेल रहे तो घर पे लास्ट मैच है सेफ खेल के। मेरे हिसाब से अगर मैं रहता तो मेरा मेंटेलिटी ये रहता कि देखो लोग ने पहले डिप में है, उनको लगा वो घर पे कोई बैठा रहेगा, फिर उन लोग ने घर तो लोग ने घर देखा उसमें कोई नहीं थे, तो लोग घर जाके बैठ जाना चाहिए था चुपचाप चार लोग जोन कटते, फिर उसके हिसाब से आगे आगे कर देना चाहिए। अरे कॉल आ गया था जॉनी को ऐड कर लो, बहुत दिनों से नहीं देखा जॉनी, घर पे गया लाइव हुआ लाइव यप जॉनी को प्रैक्टिस नहीं करना क्या शायद से जॉनी को सही में प्रैक्टिस नहीं करना। अपोलो से मिलो, अपोलो तो ऑलरेडी दिल्ली में है ना, वो लोग थोड़ी इधर आएंगे, वो लोग तो उधर ही रुकेंगे ना। भाई बाबू कल कैसा कमबैक किया, रिस्पेक्ट भाई सातवें से भाई भाई वो इंटरव्यू दे रहा था, पंप देगा गुस्से में था भाई, ऐसा लग रहा था हम जीतने आए यहाँ, हम जीतने आए और जीत गए, फुल जोश में था भाई, जोश में था। ओजी को रोस्ट कर दिया, अरे यार फ्रेंडली बैंटर है चर्सी। भाई अपोलो अपनी टीम में है या नहीं है? अभी याद आ रही थी बूट कैंप की प्लेइंग फॉर, बताओ पाशा। अरे वो देख लेना लाइन पे, मुझे भी नहीं पता प्लेइंग फॉर, आई गेस वही रहेगा जेली अपोलो जॉनी और बॉन्ड।